हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं पांडे विवेक व्लॉग्स में। तो जैसे कि मैंने अपना पहला ब्लॉग अपने चैनल पे डाल दिया है, तो हाँ मैं जानता हूं मैंने उसमें कई गलतियां की हैं, जैसे कि मैंने उसमें वेलकम बैक बोल दिया, बल्कि मुझे वेलकम बोलना चाहिए था सिर्फ। और दूसरी गलती, जैसे कि मैंने उसमें अपने चैनल का नाम विवेक पंडित व्लॉग्स बताया, जो कि उस समय तो सही था, लेकिन बाद में मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया, जो कि अब हो गया पांडे विवेक व्लॉग्स। क्या? पांडे विवेक व्लॉग्स। तो ये मेरा चैनल का नाम है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देखे, वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था ऑन यूट्यूब पे, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेरा सेकेंड व्लॉग होगा। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो मैंने अभी ये सोच लिया कि मैं आपको डेली व्लॉगिंग में क्या दिखाऊंगा। पहली बात तो मैं अपने डेली व्लॉगिंग में मेरा ज़्यादा कहीं ट्रैवल तो होता नहीं है, ना कोई ट्रैवल, तो मैं कंटेंट क्या दूँ आपको। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको हर दिन कोई ना कोई फैक्ट्स बताऊंगा, तथ्य या तथ्य। फैक्ट्स तो आप जानते होंगे किसे कह रहा हूँ, तथ्य कोई भी तथ्य या कोई भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कोई भी देश दुनिया में कोई भी मैटर, कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये दो चीज़ें जरूर बताऊंगा, और वैसे तो मैं व्लॉग भी आपको दिखाऊंगा, मतलब मैं मेरा रूम कहाँ है या मतलब जो भी है मैं आसपास आपको जरूर दिखाऊंगा। तुम क्या देख रहे हो? घर पे, और मैं अपने घर पे अभी बैठा हुआ हूँ। तो अभी कुछ सुबह के कुछ 11 अप्रोक्सीमेटली 11 बज रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपने इस व्लॉग में, इस चैनल पे मैं क्या बताने वाला हूँ, और दूसरी बात कि आपको मैं व्लॉग भी दिखाऊंगा, मैं अपने आसपास क्या चीज़ है जो कि दिखाने लायक है वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। और आज का हमारा जो फैक्ट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो फैक्ट्स है वो आपसे रिलेटेड है, हम सबसे रिलेटेड है, मतलब वो सभी को महसूस होता है, सभी को फील होता है। जैसे कि हम वो फैक्ट्स ये है कि जब हम रात में सोते हैं ना, और सोते समय मतलब जब हम लेट चुके होते हैं, और फिर उस समय हम कुछ सोचते हैं दिमाग में, मतलब कुछ सोचते हैं, तो और फिर उस समय हमें नींद आ जाती है। तो हम सोते समय जो हम सपने में देखते हैं ना, जो हम सोच रहे होते हैं पहले, वही चीज़ हमें सपने में दिखाई देती है, उसी से रिलेटेड हमें सपने में दिखाई देता है। और जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। इसका यही कारण कि हम रात में सोचते हुए सोते हैं और फिर वो सपने में आता है, तो हमारा जो शरीर है ना, वो फ्रेश नहीं हो पाता, मतलब सुबह जब हम उठते हैं थका महसूस करते हैं। तो आप जब भी कोशिश कीजिए, जब आप सोने लगे ना, तो आप माइंड एकदम फ्रेश करके सोएं, उस पर कुछ भी सोचें नहीं, एकदम साइड करके सोएं, तो इससे क्या होगा, आप थकावट महसूस नहीं करेंगे और सुबह जब आप जगेंगे। तो ये था हमारा आज का फैक्ट्स। और दूसरी बात कि ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑन यूट्यूब, तो अभी मैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाई। हाँ, यूट्यूब में व्लॉगिंग की वीडियो देखी है, जैसे मैंने सौरभ जोशी भाई की वीडियो देखी है, रजनी चौधरी मैम की भी वीडियो देखी है, तो मैं वीडियो देखता था, लेकिन मैंने कभी आज तक वीडियो बनाई नहीं है। तो थोड़ी साइनस तो मेरे अंदर जरूर है, तो उसको थोड़ा आप थोड़ा उसको इग्नोर कर सकते हैं, या मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है किसी दूसरे ब्लॉग में, जो कि मेरा थर्ड ब्लॉग होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय, और जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए हद से ज़्यादा, और हंसते रहिए हद से भी ज़्यादा। तो बाय बाय।